इकबाल कहता है इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी किया था। और इकबाल कहता है जानता हूँ मैं कि ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है वही सरमायादारी बंदा ए मोमिन कदीन, और जानता हूँ मैं कि मशरक़ की अंधेरी रात में बेयदे बैदा है पीरान हरम की आस्ती, अलहजर आई ने पैगम्बर से सौ बार अलहजर। इकबाल कहता है इन्हें सारे मिल के ट्रंप तो लैके मोदी तक, मोदी तो लैके इत मोदी के यार तक कहता रोजाना इन्हों डराना है, अलहजर आई ने पैगम्बर से सौ बार अलहजर। इकबाल ने नाम रखा इबलीस की मजलिस शूरा, यानी इबलीस ने सारे अपने यार बुलाए ट्रंप तो लैके सारे यार, उन्हें क्या कुरान ते हजूर दे दीन को सदर डरा, अलहजर आई ने पैगम्बर से सौ बार अलहजर, कहना रोजाना सौ सौ बारी डराना है। ओ नहीं 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 नहीं, कुरान आ जाएगा हदीस आ जाएगी हाथ कट्टे जाएंगे, हाथ कितने कट्टे जाएंगे, कुरान हदीस आ जाएगा तो अठा सूबे जकात लैन आला कोई नहीं होना। ए मैं हूँ उतो घरों चलिया जेडे इशारे से मैं खड़ा होया उत्थे, हूँ तो बच्चिया भी जनाब शीशे साफ कर लग पी, डुब मरण का मकाम नहीं, मुसलमाना दियाँ धियाँ दस दस साल दियाँ लोगों के शीशे गड्डिया के साफ करके दस रुपए लो, इस तो वड्डी कोई लानत है इस कौम वास्ते, मतलब वेख के अपनी धियां बंदे नूं याद आ जांदियां वी साडी धी अगर इत्थे खड़ी होंदी फिर दसवा जरा एक, 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 एक कौन जिम्मेदार है इन्हां गल्लां। हजूर ने हातमताई की धी जदों कैद होके आई तो रसूलल्लाह ने जदों नंगे सिर वेख्या ना तो यह नहीं फरमाया भाई काफिर की धी है, कलमा तो उन्हें बाद च पढ़िया, अदी बिन हातिम ने तो अमशीरा ने बाद च कलमा पढ़िया, पहले तो मुसलमान नहीं सन, अदी बिन हातिम भी नस गए सन, कहना क्या मैं हजूर का कलमा नहीं पढ़ना, जदों हजूर ने उन्होंने बेटी को रिहा किया आदमताई उन्हें कहा जी मैं आदमताई की धी वहां, हजूर ने फरमाया क्या हजूर ने जो वेख्या ना सिर तो कोई नहीं। इकबाल फिर तर्जमा किया उस हदीस का, दुख तरक रा चू नबी बे परदी चादर खुद पेशे रूए ऊँची, हजूर ने या यू अलमुदस्सिर या यू अलमुजम्मिल वाली मोड़े तो चादर ला के सिर उत्ते दे दी, हजूर ने काफर दियाँ धियां नंगे सिर नहीं वेख सकते, मुसलमान दियाँ धियां नंगे सिर वे, ये गल्लां सानू करनिया पैनिया ते आखिर ये दीन वल आना पैना है, इस तो बगैर कोई चारा कोई ना ने, मैं तो ये सच्ची गल दस रहा या फिर अपना इंतजार करो बिल्कुल, या फिर इंतजार करो अल्लाह दे अजाब दा, या फिर दीन दी तरफ फौरन वापस आओ, कहो बस जी बस बड़ी हो गई हुण असी रसूलल्लाह चलो दीन वल सिर्फ चलण दी देर है, फिर बरकत ही बरकत आ, रहमत ही रहमत आ, अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, और गल ही कोई नहीं, दीन ते सुकून दा नाम है, अमन दा नाम है, की खटिया असी बहत्तर साल हजूर दे दीन ना बगावत करके, कुछ भी नहीं है जनाब, रोटी भी कोई ना मिली की मिले, ऐ शाह रग इतों शाह रग जो कट्टी जा रही हो टंग जी सलामत रहनी, शाह रग कश्मीर नू कह के तमाशा वेख रहा है सौ सौ दिन तो ज्यादा हो, जी हम कश्मीरियों के साथ हैं, कैसे साथ हैं, जब आखिरी कश्मीरी मर जाएगा फिर सारे जाएंगे कहेंगे अल्लाह मगफिर लिहाइए ना वो मैये ना, चलो जी मेहरबानी थोड़ी तुम मर गए हो, ऐ हो तुम ऐसे वास्ते खड़े हो गल्ला करते हो दिन रात तुम इस्लाम के खिलाफ बैठ गए, ये सारा कसूर थोड़ा है, तुसा क्या फलाना आवी आवे जो दीन की गल हुई वह छे परे दीन दलां नहीं की जाए, सीधा सीधा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का नाम अगर दीन होता तो फिर रसूलुल्लाह को लोगों ने पत्थर नहीं मारने थे, हाँ जी फिर रसूलुल्लाह गार तीन दिन नहीं सी रहना, फिर हजूर हिजरत करके मदीना मुनवरा नहीं सी जाना, फिर हजूर अपनी ए गल तो मैं पढ़ के तो वैसे ही पागल हो जाना और हजूर को माफिया मंगदा, हजूर की साहबजादी हजरत रुकैया बीमार सन और मेरे आका पता सी मैं अपनी साहबजादी का जनाजा भी नहीं पढ़ सकना और मैं कब्र भी नहीं उतार सकना, हजूर अपनी बीमार साहबजादी को छोड़ के हजूर बदर चाहे सर दसवा तुम तो मैं अपने हजूर के दीन नाल की किया, हजरत जैद बिन हारसा कह दें जो मैं फतह की खबर लैके गया ना मदीना मुनवरा हजूर की ऊंठनी थे तो मैं वेख्या जन्नतुल बकी बड़े सारे लोग जमान, कहते मेरा दिल इंज बुझ गया होवे ना होवे तो हजूर साहब की साहबजादी को दफन किया जा रहा, कहते मैं जब पहुंचा तो उन्हें कि हजरत रुकैया दफन किया जा रहा, हजूर बदर मौजूद हैं तो साहबजादी का इतने इंतकाल हो गया, गल्लां कोई करन वालियां करो, दीन नाल बगावत छड़ दो और दीन दी तरफ वापस आओ, और इतनी सारी कबर लभनी इतनी सारी हसन दे के रोन ले तेन दिता किस दिलासा हो, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हसन दे के और रोन ले और तेन दिता किस दिलासा हो, उम्र बंदे दी एवी गुजरी जिमें पानी बिच पतासा हो, सौड़ी सामी सट गते सन, इतनी सारी जगह होंगी सौड़ी सामी सट गते सन ते परत न सक से पासा हो, ते साहिब ते तू लेखा मंगसी बाहो रत्ती घट नमाशा हो, इतनी सारी कबर जा लभनी वह भी किस्मत वाले लभनी, गोरकुना के हवाले कर देने अपने प्यो नी क्योंकि प्यो सारी जिंदगी पुत्रा इतने जाई फिरया
अज जो प्यो नू चाण दी वारी आई तो पुत्र उन्हू कबर च भी ना उतार सके। लोग हवाले कर दिता, वह दड़ाल करके प्यो नू थले सुट देंदे, वह रुमाल छड़ देंदे, लोग थले जाण लगे रुमाल भी छड़ दड़ाल करके मैयत। बस इतनी गल है बंदे की, आकड़ना कि गल कि गलों तुम की कर रहे हो दीन के नाल। आना उथे रसूलुल्लाह ने बस कदर यूसुफ का मालम होया और भाइया मिसर गया, कदर नबी का मालम हो सी कबर पिया उस दिन। फिर आने की गल ओहो यह की बन गया। अज तो जिन्हें वास्ते मैं आराम हलाल कमाया वह तो मिट्टी पा के चले गए। एक सावन गुजरता कबर सारिया डह पाया, उस तो बाद पुत्र कभी भी नहीं आए मुड़ के, उन्हें अपने कारोबार मसरूफ हो जाए। बाबे हुरी गए, पर इतनी बात है। और हजूर ने फरमाया क्यामत वाले दिन अल्लाह दे हाँ बदतरीन इंसान वो होगा कि अजहब आखिरतहू बिदुनिया गैरिही,